ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग ऑनलाइन ठीक है ऑडियो वीडियो यस सर ठीक है फाइन। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जो पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स जिसे बोलते हैं राइट वो पूरा आज हम कवर करेंगे राइट व्हाट इज नोन एज पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स। तो वैसे ये क्वांट में दिया है बट जो पोर्टफोलियो है टॉपिक या सब्जेक्ट उसके लिए भी ये काफी यूजफुल है ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू हेलो क्या हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू है वेरियंस वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है इससे हम चालू कर रहे हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल के आपको x दिया है और उसका प्रोबेबिलिटी दिया है px। x को जनरली क्या बोलते हैं रैंडम वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है राइट लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी हमको पता है। सो लेट अस से के कल संडे है तो अहमदाबाद में टेम्परेचर कितना होगा मिनिमम टेम्परेचर सपोज 10, 15, 20 या 25 राइट से दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर और ऐसा होने का चांस क्या है तो सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर हो उसका चांस 0.05 है 25 डिग्री हो वो भी 0.05 है राइट ये होने का चांस 0.40 है और ये होने का चांस 0.5 है ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे ये जो टेबल है ना x और tx इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी शुड हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज जनरली डिनोटेड बाय e ऑफ x मतलब सॉर्ट ऑफ एवरेज नहीं बोलते अपने ये एवरेज कितना होगा एक वर्ड में बताओ कितना टेम्परेचर होगा। तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है समेशन x इंटू px ठीक है समेशन x इंटू px। तो सारे जो वैल्यूज है उनको प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करो ओके और एड अप करो क्या आया 17.75। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये क्या आया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा फिर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पे कितना भरोसा कर सकते हो राइट ये इस पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं वो फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो वेरिएंस मतलब vx या सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस मतलब vx या सिग्मा स्क्वायर इट इज अ मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन कितना फ्लक्चुएशन है अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते और अगर फ्लक्चुएशन बहुत कम है तो काफी भरोसा कर सकते हैं। सो वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं अगेन समेशन x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर लेने का और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। सो अपने केस में 10-1775 स्क्वायर इंटू 0.05 प्लस 15-1775 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी और फिर चलता रहेगा
चारों टर्म्स, उसका टोटल करो, बताओ मुझे क्या आंसर है। क्या है सिग्मा स्क्वायर, क्या रहा है 11.1875। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है ना। और फिर 11.1875 का स्क्वायर रूट ले लो। 11.1875 जो है उसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आएगा, 3 point something आएगा, तो दैट 3.34 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन, कितना फ्लक्चुएशन कितना वेरिएंस होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया हमारी बुक में, पेज 125 पे एग्जांपल दिया है, राइट सर? कौन सा बुक नंबर? हेलो वो पॉइंट वाला है ना? ओके ओके, पॉइंट वाली जो बुक है ना उसमें, तो दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑन पेज 125, अर्निंग्स पर शेयर का दिया है, वाला एग्जांपल देख लो 125 पे जो है, सिंपल है, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है। जाए आगे, ओके। फिर ये जो हुआ कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड किया और वेरिएंस फाइंड किया, तो ये जो है ना वो सिर्फ एक वेरिएबल का है, इजंट इट? ये जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल का है, लेकिन फाइनेंस में जनरली क्या होता है कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टू वेरिएबल्स, राइट? क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सपोज मुझसे कोई ये पूछे कि रियल एस्टेट में पैसा डालू के ना डालू, राइट, तो आई कैन नॉट जस्ट आंसर इन यस और नो, मुझे क्या पूछना पड़ेगा कि भाई तेरे पास अभी क्या है, तेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें अभी क्या है। सपोज उसका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो और सारा का सारा रियल एस्टेट में ही है, तो मैं बोलूंगा नहीं और रियल एस्टेट मत डालो, क्योंकि दोनों के बीच का बहुत रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। बट सपोज कोई बोले कि मेरे पास तो 5 करोड़ की सिर्फ एफडीज है, तो मैं बोलूं हाँ ठीक है रियल एस्टेट ऐड करो, बिकॉज एफडी और रियल एस्टेट एक साथ मूव नहीं करेंगे, तो उसको कुछ डाइवर्सिफिकेशन मतलब रिस्क कम करने का चांस है। तो इन शॉर्ट ये सब तो हम पोर्टफोलियो में ज्यादा पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। सपोज सिंपल एग्जांपल है कि स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी, के एफडी और प्रॉपर्टी दोनों जुड़े हुए कौन से होंगे, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी वर्सेस एफडी एंड प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट एंड प्रॉपर्टी, इजंट इट। जनरली जब स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होता है तो लोग वो पैसा जो गेन से और रियल एस्टेट में भी डालते हैं, वाइस वर्सा, मतलब नॉर्मली स्टॉक मार्केट एंड प्रॉपर्टी दे आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड देन से स्टॉक मार्केट एंड एफडी, सॉरी प्रॉपर्टी मार्केट एंड एफडी, वो शायद ऊपर नीचे जाए पर एफडी का तो रेट उतने का उतना ही रहेगा, राइट। तो ये जो टर्म है एक इतना एक दूसरे के साथ रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, कोवेरियंस। उसको क्या बोलते हैं, कोवेरियंस, कि एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वो कैसे फाइंड होता है। यस हमने जो पोर्टफोलियो में सीखा है ना उसमें प्रोबेबिलिटी वाला डेटा नहीं होता है, वो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा होता है, तो डिवाइड करते हैं, जबकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ करेक्ट। सो ऑल ऑफ यू लुक एट द एग्जाम्पल विच इज गिवन ऑन पेज 127। पेज 127 पे एक एग्जाम्पल दिया है, वो देखो कोवेरियंस का। हाँ सही है, लेकिन आंसर देने के लिए हमको वही है ना कि देखना पड़ेगा अभी क्या है उसके पास, मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स। See, आपको सब नरेशन दिया है, उसके बाद अल्टीमेटली ऐसा एक टेबल दिया है, राइट right? और टेबल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि जब ए का रिटर्न 0.20 मतलब 20% है और बी का रिटर्न तब 30% है और ऐसा होने का चांस 0.3 है, राइट, देन इज 0.3 प्रोबेबिलिटी दैट ए'ज रिटर्न इज 20% एंड बी'ज रिटर्न इज 30%, राइट, दिस इज द मीनिंग। और कभी भी एक चीज याद रखो
ऐसा टेबल हो तो ये जो आर ए आर बी है रिटर्न्स है वो डेसिमल में भी ले सकते हो और परसेंटेज में भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट प्रोबेबिलिटी है वो तो हमेशा डेसिमल्स में ही रखनी पड़ेगी, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी आप ढूंढ लो, पहले उतना ढूंढ लो। क्या है इनका 0.2 into 0.3 0.5 0.5 0.2 0.13 similarly b का 0.14 0.14। all of you अच्छा, फिर कोवेरियंस ढूंढना है, कोवेरियंस ए बी, तो कोवेरियंस ए बी अगर ढूंढना है तो आपको क्या करने का, ये जो वेरियंस का फॉर्मूला नहीं था हर एक में से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करते थे वो पैटर्न वही है, मतलब ऐसा ए के लिए करो 0.20 minus 0.30 और मल्टीप्लाई करो बी का सेम डिट 0.30 minus 0.40 and then multiply by probability 0.3 and do it for all three pairs. Nahin. Instead of squaring, we are taking two terms, right? सही है 0.0058 आना चाहिए, करके देखो।
मल्टीप्लिकेशन ना आंसर ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल। तो ये जो 0058 आया करेक्ट, ये पॉजिटिव है, मतलब इन जनरल हमको क्या पता चला कि ए एंड बी आर मूविंग इन सिमिलर डायरेक्शन, एक ऊपर तो दूसरा ऊपर, एक नीचे तो दूसरा नीचे, ठीक है। और अगर ये माइनस आता, अगर ये नेगेटिव आता, तो हम बोल सकते थे कि भाई उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, राइट। अच्छा, तो इससे हमको डायरेक्शन तो पता चल गया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वी कैनॉट कमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता चल गया है, बराबर। दो लोग हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं करते उतना पता चला, पर कितनी इंटेंसिटी से नहीं करते या करते हैं उसका कोई आंसर कोवेरियंस देता नहीं है, क्योंकि कोवेरियंस की कोई डिफाइंड रेंज नहीं है, समझ लो, कोवेरियंस की कोई डिफाइंड रेंज नहीं है, इज़ इट। कोई भी स्केल होता है उसका रेंज और आधा पता चलेगा, जैसे अपने टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, राइट, तो भाई 96 से ऊपर है तो 101 102 भारी बुखार है, राइट, क्योंकि एक रेंज है, राइट, बट इसमें ऐसा कोई रेंज नहीं है कोवेरियंस में, तो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ कोवेरियंस, दैट इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और इसको सुधारने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो कोवेरियंस ए बी है उसको दोनों रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवाइड कर लो, जो दो स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, राइट। हम जिस पेज पे, एक पेज नेक्स्ट चले जाओ, एग्जाम्पल दिया है आपको और उसमें सिग्मा ए सिग्मा बी की वैल्यू दी है, मिला सिग्मा स्क्वायर आ रहे हैं 0028 बोला है और सिग्मा स्क्वायर भी 0.0124 बोला है, तो बेसिकली कोवेरियंस हमको पता है 0.0058 डिवाइड बाय सिग्मा ए क्या होगा, तो 0028 का स्क्वायर रूट और सिग्मा बी जो है वो 0124 का स्क्वायर रूट, तो ये जो आंसर आ रहा है वो 0.9842 आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है वो 0.9842 आ रहा है, और ये जो है चीज उसको बोलते हैं कोरिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन, आर ए बी, कई बार टेक्स्ट बुक्स में आर के बदले ऐसे रो लिखते हैं, रो ए बी, बट उतना कुछ फैंसी करने की जरूरत नहीं है, आर जनरली कोरिलेशन मतलब आर, तो आर ए बी मतलब कोवेरियंस ए बी डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोरिलेशन का फायदा ये है दैट इट हैज गॉट अ थोड़ा सा एक्स, मतलब मोबाइल को शिफ्ट कर सकते हैं आउटसाइड का मूवमेंट, एक मिनट मैं देखता हूं, हाँ 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 थैंक यू सर। या तो कोरिलेशन जो है उसका फायदा ये है, उसकी एक डिफाइंड रेंज है माइनस वन से लेके प्लस वन, राइट, तो सीधा ही 0.98 देखोगे तो इंटरप्रेट कर पाओगे, पॉजिटिव तो है बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट परफेक्ट पॉजिटिव है, राइट। सपोज ये आंसर 0.18 आता तो क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव तो है लेकिन खास कुछ नहीं है, करेक्ट। 0.56 आता तो पॉजिटिव लेकिन मॉडरेट है, सो नॉट ओनली द डायरेक्शन प्लस माइनस बट ऑल्सो द इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड, तो इसलिए कोरिलेशन इज वेरी वेरी मीनिंगफुल, राइट। वो ऐसा मान लो कि कोवेरियंस का एक इंप्रूव्ड वर्जन है, अंडरस्टूड, एंड टेक्निकली वी से दैट कोरिलेशन और कोवेरियंस मेजर द लीनियर एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ कितने स्ट्रेट लाइन तरीके से जुड़े हुए हैं,
वो मतलब होता है कोरिलेशन या कोवेरियंस का। तो जो थियरी लिखा है, अलग अलग बुलेट्स लिखे हैं, वो एक बार पढ़ लो आप। सही, जो आपने पीएपी लिखा ना वो क्या है? हाँ, वो या तो आर या रो, वो पी नहीं है, रो है, मतलब कोरिलेशन का सिंबल है, कई बार वो भी यूज होता है। सर वो मतलब आधा आठ मतलब पी जैसे ही है? हाँ हाँ पी जैसे ही, बट हम तो जनरली आर ही यूज करेंगे। तो आप लोग क्या करो, ये जो एग्जाम्पल है ना कोरिलेशन का, उसके ऊपर 6 बुलेट है वो पढ़ लो, और नेक्स्ट पेज पे स्कैटर प्लॉट दिए हैं वो देख लो। उत्तर देख लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कोरिलेशन का कोई यूनिट नहीं होता, वो प्योर रेशियो है, वरना कोवेरियंस होता है ना, कोवेरियंस है उसका यूनिट है, मतलब सपोज हमारा डेटा परसेंटेज में है तो कोवेरियंस का यूनिट होगा परसेंटेज स्क्वायर। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस का, तो अगर उसका कोवेरियंस निकालो तो डिग्री सेल्सियस स्क्वायर, जबकि कोरिलेशन का ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। अंडरस्टूड? लीनियर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो जो अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, स्क्वायर क्यूब ऐसे सब, उनको ये हैंडल नहीं कर सकता। मतलब अगर दो से ज्यादा वेरिएबल जुड़े तो नहीं? नहीं, नहीं, दो से ज्यादा नहीं। सपोज ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट वो रिलेशनशिप एक्स स्क्वायर वाली है, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ऐसा कुछ है, तो फिर उन दोनों के बीच का कोरिलेशन मतलब नहीं रखेगा। तो मतलब सिर्फ जो डिग्री वन वाले वेरिएबल्स के लिए रिलेवेंट है? उनके लिए दूसरे टूल्स होते हैं, बट जनरली ये सब जो कोरिलेशन रिग्रेशन है वो सब लीनियर के अजम्पशन पे ही चलते हैं। तो सर वो टूल्स का नाम क्या होता है, मतलब एडजस्टमेंट? हाँ होते हैं ना, क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, लॉजिस्टिक होते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस तो खुद ही मतलब वो इक्वेशन ही डिनोट करेगा ना? नहीं, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन होता है, मतलब जो रिग्रेशन होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, एक पावर फंक्शन होता है। अच्छा ऑल ऑफ यू ये पढ़ा आपने, हाँ, और नेक्स्ट पेज पे स्कैटर प्लॉट आपने देखे, जो नेक्स्ट पेज पे फिगर 8.3 है, देखो एक्स और वाई प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट फिगर है ऑल ओवर द प्लेस है, एकदम स्प्रेड आउट है ना, मतलब कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो नो रिलेशनशिप, करेक्ट। फिर दूसरे में परफेक्ट है लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीनियर दिख रहा है, और वो जो लाइन है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट। और तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है तो उसमें क्लियरली रिलेशनशिप तो है, इजंट इट, पैटर्न तो दिख रहा है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ अलग ही फंक्शन है, तो उसमें हम कोरिलेशन यूज कर ही नहीं सकते,
उसमें हमको अलग अलग दूसरे टूल्स एडवांस टूल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और 129 पे नीचे लिखा है स्पूरियस कोरिलेशन, तो कभी भी वर्ड आए स्पूरियस, स्पूरियस का क्या मतलब होता है, नॉट जेन्युइन। तो हाँ, तो कई बार आपको मैथमेटिकली शायद दिख जाए कोरिलेशन, बट अगर उसका कोई बेसिस ना हो, अगर उसका कोई आप लॉजिकल या इकोनॉमिक रीजन नहीं ढूंढ सकते, देन वी विल से इट इज स्पूरियस कोरिलेशन, ठीक है। और वो एग्जांपल भी कुछ अच्छा ही दिया है, राइट। द कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ ईच ईयर्स मिस अमेरिका एंड द नंबर ऑफ फिल्म्स निकोलस केज अपीयर्ड इन दैट ईयर इज 87%। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बट अब दोनों में कोई लेना देना कुछ है नहीं, राइट। ठीक है, फिर क्विज पे आ जाओ, उसमें सेकंड और थर्ड कर लो, क्विज 8.2 सेकंड एंड थर्ड। ये एग्जाम्पल टू जो है उसको पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। तो टू में क्या बोला है, तीन चीजें दी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीड्स 3%, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव बट लेस देन 3% एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव, ये तीन चीजें आपको दी हुई है। तो एक मेथड तो ये है कि जो टेबल से होता है उस तरह से ले लो, राइट। सपोज इकोनॉमिक ग्रोथ मोर देन 3%, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ लेस देन 3% बट पॉजिटिव, वो मैं लिख नहीं रहा हूं बट पॉजिटिव है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव, ये तीन चीजें हो सकती है, इजंट इट, ये तीन चीजें हो सकती है। और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटीज दी है, इफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग 3%, मतलब 100 में से 25 टाइम्स इट विल एक्सीड 3% एंड 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नेगेटिव, तो ये 25 है, और फिर ऑब्वियसली ये कितना बचा, 50,
यस और नो, ये कितना बचा 50। और फिर जो दूसरा डायमेंशन है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग है ना, क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक प्राइस इजंट इट, शेयर प्राइस। तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगा और यहां पे लिख सकते हो शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है राइट। अब जो पहला सेंटेंस था, एनालिस्ट एस्टिमेट दैट शेयर प्राइस हैज 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग इफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीड्स 3%। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीड्स 3% कितनी बार हो रहा है, 25 बार, और उस 25 में से 80% मतलब 25 into 80% देयर इज चांस दैट शेयर प्राइस विल इंक्रीज। तो 25 का 80% 20 हो जाएगा, तो ये 20 और ये 5 करेक्ट, ये 20 और ये 5। फिर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 3% से कम है लेकिन पॉजिटिव है तो शेयर बढ़ने का चांस क्या है, 40% प्रोबेबिलिटी। तो ये 50 का 40% मतलब 20, और यहां पे क्या आएगा बाकी का 30। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव है तो सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी है, ये 25 का 10%, तो 2.5 और 22.5 करेक्ट। तो शेयर प्राइस बढ़ने का टोटल चांस क्या है, 20 + 20 = 40 + 2.5 = 42.5, और ये आपका आ जाएगा 57.5। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस इंक्रीज 42.5% आउट ऑफ 100 है, इसलिए समझ में आया ऑल ऑफ यू। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि ये लोग जो ट्री बनाते हैं वो ट्री बना सकते हो कि भाई आपकी इकोनॉमी तीन तरह से होगी, ग्रेटर देन 3%, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 3, ग्रेटर देन 0 और ये नेगेटिव राइट। और फिर हर एक में दो चांस है, स्टॉक बढ़ेगा कि स्टॉक घटेगा, तो उस तरह से भी कर सकते हो, बट इन जनरल आई प्रिफर द टेबल मेथड क्योंकि थोड़ा अगर डिफिकल्ट भी पूछते हैं तो इससे आराम से हैंडल हो जाता है, चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा हो राइट, क्योंकि कई बार पढ़ोगे तो पहले ही पता नहीं चलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं कि क्या मान रहे हैं, तो जनरली इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और नीचे वाला थर्ड वाला कोवेरियंस ए, तो ए अनबाउंडेड, उसकी कोई रेंज होती नहीं है, ठीक है। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कब 25 into 80% करना है, मतलब मैंने जो पहले सॉल्व किया ना तो मैंने डायरेक्ट से 0.88 लिया। मतलब वो ऐसे 80% नहीं ले सकते अपने, इफ या गिवन दैट है तो पहले ये निकाल के उसका 80% निकालना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, उसका टेक्निकल नाम वो जो 80% आपको दिया है ये उसका टेक्निकल नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। राइट, अच्छा फिर देखो हमने अभी कोवेरियंस किया राइट, वो लंबा मेथड ई में से एक्स में से एक्स का एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू इनटू वाई फिर प्रोबेबिलिटी, तो सेम थिंग लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आप पेज 132 पे आओ, पेज 132 पे आओ, कोवेरियंस यूजिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मॉडल ऐसा लिखा होगा,
कोवेरियंस यूजिंग अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी मॉडल, ऐसा लिखा है और आपको इस टाइप का टेबल दिया है ना, ए के तीन वैल्यूज है 0.20, 0.15, 0.04 और बी के ऊपर तीन वैल्यूज है 0.40, 0.20, 0 और बीच में सारे प्रोबेबिलिटीज दिए हैं, बीच में सारे प्रोबेबिलिटीज दिए हैं, तो हमको जो पैटर्न पता है ना उस पैटर्न में ही कन्वर्ट कर देना है। मतलब ऐसा टेबल दिया है तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि आर ए आर बी एंड प्रोबेबिलिटी, तो जहां पे भी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है ना वो वाली वैल्यूज पकड़ो, तो 0.15 है तो 0.15 और उसमें ए और बी की वैल्यूज है वो आप लिख लो 0.20, 0.40, फिर 0.60 है करेक्ट, तो 0.15 एंड 0.20 और 0.25 है तो उसमें 0.04 और 0, तो ये तो वही फॉर्मेट हो गया करेक्ट। तो नाउ यू कैन सॉल्व, अब अपने सॉल्व कर सकते हैं कोवेरियंस, पहले ए और बी का एक्सपेक्टेड निकाल दो और फिर कोवेरियंस निकाल दो, कर सकते हो ठीक है। हाँ टेबल की तरफ खबर पड़े, ठीक पेलू टेबल जो जे ये लोग कोई टेबल आपको शन है, ये टेबल में बच्चे जो प्रोबेबिलिटीज शन એમાં જે 0 છે નહીં લેવાના, જે ફર્સ્ટ નોન ઝીરો નંબર છે શું છે 0.15 છે, તો એ 15 માં જુઓ એની વેલ્યુ શું છે 0.20 કોરસ્પોન્ડિંગ વેલ્યુ, એટલે બીની કેટલી છે 0.40, એટલે આપણે અહીંયા લખી રાઈટ। ઓર એસા જરૂરી નહીં કે ડાયગોનલ મે નોન ઝીરો હોગા, કહીં પે ભી દે સકતે હૈ, તો જીતને ભી નોન ઝીરો પ્રોબેબિલિટી હૈ ઉતને પેર એ ઓર બી કે લિખ દો બસ। And then you for joint probability मतलब क्या हुआ कि 0.2 जो है मतलब a 0.2 और b 0.4 ऐसा होने का probability 0.15 है, तो वो तो यहाँ पे भी मतलब सेम ही है, ये सेम ही नहीं बट इट इज जस्ट द मेथड ऑफ शोइंग वो फर्क पड़ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन 0 ही होगा, जीरो ही होगा इंटरसेक्शन ए और बी का, मतलब सर हम लोग मतलब वो आर ए और आर बी के प्रोबेबिलिटी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज अगर पी ए और पी बी है तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी तो जीरो हो गया ना। नहीं लेकिन ये तो एक नहीं है ना, बहुत सारे केसेस है तो ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ PA into PB या PA intersection B है बट अलग अलग वैल्यूज के लिए। इंटरसेक्शन तो है ही नहीं ना, यूनियन है। नहीं नहीं ये सारे इंटरसेक्शन है, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है, जॉइंट मतलब कि A 0.20 और B 0.4 उसका क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों साथ में, कि A 0.20 है एंड B 0.4 है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है तो 0.15, अंडरस्टूड? हाँ, बोलो ये आएगा कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं वो कर लो, इसमें मेरे को कोवेरियंस फाइंड कर भी दो,
क्या आ जाओ सर ऐसा टेबल बनेगा देन सॉल्व इट कोवेरिएंस ढूंढ लो क्या है आंसर पक्का एनीवन एल्स गॉट द आंसर नहीं। और मैंने वो अपनी चैनल का यूट्यूब का वीडियो डाला हुआ है बेसिक सेटिंग्स का राइट मेक श्योर वो आपके कैलसी में ऐसी सेटिंग हो राइट मैंने कई बार देखा है कि L2 L3 में लोगों के सेटिंग गलत होते हैं वो देख लेना अगर नहीं देखा है तो नेगेटिव कुछ आ रहा है मेरा नहीं 0.012 नेगेटिव है 0.011 हां 115 माइनस 0.011125 ओके
बोलो जाए आगे। ऐसा हो सकता है यहाँ पे आंसर ना आ रहा हो किसी का बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स राइट, बट यू हैव टू मेक श्योर इवेंचुअली सही हो जाए। ओके ऑनलाइन सब ठीक है? ओके अच्छा, अब मैंने जो बोला ना कि पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो चीज कितनी जुड़ी हुई है, मतलब कोवेरियंस या कोरिलेशन। तो अगेन पोर्टफोलियो में तो रिपीट होगा, बट इसमें भी इन लोगों ने बेसिक फॉर्मूला डाला है कि अगर दो एसेट्स हैं ए और बी, दो चीजें हैं ठीक है, सपोज स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट बराबर, और पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स है या 10 साल के रिटर्न्स या जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है से ईआरए वो 10% है, और रियल एस्टेट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो सपोज 12% है ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18% है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15% है ठीक है। अच्छा मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 6 लाख स्टॉक में डालूंगा तो 6 लाख आउट ऑफ 10 लाख वेटेज इज 0.6 और ये जो है वो 0.4 राइट, तो दोनों मिक्स कर रहा हूं 60-40 में, तो जो बनेगा वो क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। जो बनेगा वो क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। तो जो पोर्टफोलियो होगा राइट, उसका मेरे को रिटर्न चाहिए ईआरपी, उसका रिटर्न चाहिए ना, तो वो तो सिंपल वेटेड एवरेज का ही फॉर्मूला है के डब्ल्यू ए ई आर ए प्लस डब्ल्यू बी ई आर बी ठीक है। तो क्या आएगा वो के भाई 0.6 इंटू 10% प्लस 0.4 इंटू 12% 6 और 4.8 10.8% इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बराबर। ये तो सिंपल है, लेकिन लेकिन पोर्टफोलियो का अगर सिग्मा पी निकालना है, वेरियंस वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर पोर्टफोलियो का वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो फॉर्मूला है वो थोड़ी उटपटांग है। वो क्या है कि डब्ल्यू ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 WA WB सिग्मा ए सिग्मा बी आर ए बी, आर मतलब कोरिलेशन। और यहां पे मैंने जो आपको डेटा दिया था राइट, उसमें डब्ल्यू ए सिग्मा बी डब्ल्यू बी सिग्मा बी दिया है बट आर ए बी दिया नहीं था, तो सपोज इट इज 0.4, सपोज ए और बी के बीच का कोरिलेशन 0.4 है ठीक है। तो अभी ये फाइंड करो, ये नंबर फाइंड करो 0.6 square into 18 square plus 0.4 square into 15 square plus 2 into 0.6 into 0.4 into 18 into 15 into 2.4 हाँ रख सकते हैं, डेसिमल कन्वर्ट करना तो भी चाहे।
ये क्या आंसर आ रहा है 1042.56 और ये सिग्मा पी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट लोगे तो सिग्मा पी आएगा 32.2। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है ना, तो कोरिलेशन भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। मतलब उसको कंसीडर करना पड़ेगा कोरिलेशन को। क्या आ रहा है ये 1042 सबका आया क्या करके देखो 204.48 और 14.29। क्योंकि इंडिविजुअल एसेट का रिस्क 18% 15% है, अब उनको मिक्स कर रहे हो तो रिस्क बढ़ तो नहीं सकता, 32% रिस्क कहां से आएगा। ये नंबर्स आने चाहिए सबके, ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके एंड दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ना उसमें जो थर्ड टर्म है डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी सिग्मा ए सिग्मा बी आर ए बी, तो इतना जो कंपोनेंट है सिग्मा ए सिग्मा बी इनटू कोरिलेशन That is also equal to covariance AB, right? Because RAB का फॉर्मूला क्या था, covariance AB upon sigma A sigma B। तो अगर इसको ऊपर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो sigma A sigma B RAB, isn't it? तो in short, अगर दो assets है और पोर्टफोलियो का रिस्क ढूंढना है तो या तो कोरिलेशन या कोवेरियंस, ये दो में से एक चीज देनी पड़े वरना नहीं फाइंड कर सकते। और इसका जो कंसेप्चुअल चीज है वो अभी नहीं बता रहा हूं ज्यादा, क्योंकि वो तो पूरा पोर्टफोलियो में हम करेंगे, पर ये मैथमेटिक्स हमको पता होना चाहिए कि अगर दो एसेट्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है। पेज 131 पे जो एग्जांपल है वो सिर्फ देख लो, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो 131 पे जो दिया है। ठीक है, ओके। सो इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दे हैव कवर्ड सम वेरी बेसिक थिंग्स, राइट? तो हम लोग भी देख लेते हैं।
तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन फंक्शन होता है राइट। सपोज देर आर थ्री स्टॉक्स राइट, तीन स्टॉक्स है राइट, और हमको बोले सेल एनी टू राइट। तो ये क्या हुआ, तीन में से दो सिलेक्ट करने के, तो सिलेक्ट कौन से कर सकते हो आप, एक्स वाई एक्स जेड या वाई जेड, तीन तरह से कर सकते हो। तो टेक्निकली दिस इज नोन एज 3C2, टेक्निकली दिस इज नोन एज 3C2। और वैसे एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बट ठीक है हमारे तो कैलसी में फंक्शन दिया है, तो कैलसी में देख लो फंक्शन है c, इसके ऊपर दिया है प्लस के ऊपर है हाँ, तो 3 सेकंड करके प्लस और 2 और इज इक्वल टू, तो आंसर आया 3 सुनो 3 फिर सेकंड करके प्लस सेकंड प्लस देन 2 और इज इक्वल ऑल ऑफ यू। सपोज कुछ बड़ा हो 15 में से 8 स्टॉक बेच रहे हैं, तो कितनी तरह से बेच सकते हो, 15C8 64 35 ठीक है राइट। सो दिस इज कॉम्बिनेशन, जब सिर्फ सिलेक्शन करना हो तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा लेकिन सपोज ऐसा है के तीन स्टॉक्स है, सेल एनी टू, वन ऑन मंडे वन ऑन ट्यूसडे, तीन में से दो बेचने के हैं लेकिन एक सोमवार को और एक मंगलवार को राइट। तो फर्क क्या पड़ेगा कि भाई ये एक्स वाई ये एक्स जेड और ये वाई जेड, बट देन एक्स वाई के लिए वाई एक्स भी हो सकता है ना, क्योंकि मंडे ट्यूजडे फर्क पड़ गया, सीक्वेंस का फर्क पड़ गया राइट। फिर एक्स जेड के बदले जेड एक्स भी होता है और वाई जेड के बदले जेड वाई भी होता है, तो जहां पे ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस बनानी है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। That will be 3P2. वो क्या होगा 3P2, तो अगेन कैलसी में देखो NPR दिया होगा राइट, तो आप 3P2 कर लो तो आंसर आएगा 6 राइट। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि कोई भी सीक्वेंस करूंगा चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है तो कॉम्बिनेशन, और अगर सीक्वेंस का फर्क पड़ेगा तो परम्यूटेशन। जनरली फाइनेंस में कॉम्बिनेशन का ज्यादा यूज होता है, एग्जाम में तो कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं ठीक है। और जो दूसरी चीज है जिसको ये लोग बोलते हैं लेबलिंग, तो लेबलिंग मतलब क्या, सपोज किसी का नाम रॉकी है राइट, तो वो जो अल्फाबेट्स है उसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हो, मतलब नाम कोई मतलब हो ना हो उसका कोई पॉइंट नहीं है, बट इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज, तो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, तो क्या बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। अगेन अपने कैलसी में देख लो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर फैक्टोरियल होगा, तो 5 और सेकंड करके वो कर लो तो 120 आएगा करेक्ट, 120 आएगा, तो 120 तरह से आप
अलग अलग रीअरेंज कर सकते हो। लेकिन मान लो इसमें कुछ रिपीटेशन है, सपोज मिकिन है राइट, सपोज एम आई के आई एन है करेक्ट, तो है तो 5 फैक्टोरियल 5 है, लेकिन ये आई है वो रिपीटेशन है ना, दो बार आ रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ऐसा वो करके देखो 60 आएगा राइट। आया 60। सपोज किसी का नाम है नमन राइट, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 फैक्टोरियल, लेकिन ए दो बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और एन भी दो बार आ रहा है तो फिर से 2 फैक्टोरियल, तो फिर 30 ऐसा ठीक है। All of you, ऑनलाइन सब ठीक है? Yes, fine. So that is the end of this chapter. Module 2 is 8.3 पूरा कर लेना. मॉड्यूल क्विज 8.3 पेज 136 वो खत्म कर लेना। उसमें से फोर्थ तो हमने ऑलरेडी किया है, फोर्थ तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो 1 2 3 5 6 और एक काम करो 3 5 और 6 तो अभी कर लो, 3 5 और 6 अभी कर लो, बहुत छोटे छोटे आराम से हो जाएंगे। फाइव फैक्टर तो निकलेगा डिवाइड बाय फाइव फैक्टर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो आंसर है फिर से डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और किया
दिया है, कोवेरियंस है, सिग्मा बी है, सिर्फ सिग्मा ही ढूंढना है और पूछा है वेरियंस, मतलब जो सिग्मा आएगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि सिग्मा ए भी ऑप्शन में होगा ही आंसर में, राइट। और नॉर्मली जो कॉमन मिस्टेक्स है वो कवर करते ही है ये लोग ऑप्शन ऑल्टरनेटिव। क्या है थर्ड का आंसर? 0.001 और फिर 10 प्रिंटर्स है और गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज देना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा किसको क्या मिला, राइट। सो फिर 10p3 7 में, ठीक है। ऑनलाइन सबका आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, फिर देखो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ समझ लो, फर्स्ट और सेकंड सिर्फ समझ लो। जैसे फर्स्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, बराबर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा बोला है फर्स्ट में। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0, 5 या 10, और दो बार प्रोबेबिलिटी दी है ना, तो पहले पहला वाला ले लो 0.2, 0.4, 0.4, तो एक्स का एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। फिर दूसरा कॉलम का प्रोबेबिलिटी लेने का 0.1, 0.8, 0.1, उसका भी एक आंसर आएगा, राइट। सपोज पहले वाले का आंसर आया 2 और दूसरे वाले का आंसर आया 6, तो फिर ऊपर जो प्रोबेबिलिटी लिखी है ना नरेशन में 0.3 और 0.7, तो उसका वेटेड एवरेज ले लेना कि भाई 2 × 0.3 + 6 × 0.7, ऐसा। समझ में आया? अंडरस्टूड। और उसके नीचे वाला जो है उसमें आपको एक्स के आउटकम दिए 1, 2, 3, 4 और बोला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी सेम, तो एक्स 1, 2, 3, 4 बाजू में पी एक्स क्या होगा 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, तो चार आउटकम्स है तो 1/4 हर एक का प्रोबेबिलिटी 0.25 है। और फिर जैसे हम करते हैं वैसे वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है, राइट, फाइन। So next time we will go on to distribution. Online? Hi. 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 Bye. 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 Bye.